Hey, what is up, दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो कल तो बहुत कुछ बोलने वाला था मैं, मगर मेरा माइक ग्लिच हो गया, उसके बाद लाइट भी गया, मतलब लाइट पूरा नहीं गया। मैंने घर में जाके देखा, उसका जो OTG एडाप्टर है, OTG एडाप्टर का सत्यानाश हो गया, तो उसको मुझे फिर से ख़रीदना है। जब तक OTG एडाप्टर ना लूँ तब तक सिर्फ सुबह को ही वीडियो बनाऊँगा। वैसे रात का कुछ मतलब बहुत उतना ज़्यादा नहीं होता कुछ, तो सिर्फ ट्यूशन आना जाना ऐसा ही होता है, मगर सिर्फ सुबह को ही अच्छा होगा ब्लॉग करना। मैं मगर कल बहुत कुछ बोलने वाला था जो कि मैं आज बोलूँगा तुम लोगों को। देखो, मतलब पूरा देखना, ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो ही तुम लोग कमेंट थोड़ा सा कर देना। देखो गाइस, ऐसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मगर हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा है, मतलब मैंने बोला कि हंसते रहो और तुम लोग मतलब कहीं पर भी हंस दो, ऐसे नहीं है दांत फाड़ के हंस दो। मतलब एक एक मरे पड़े हैं वहाँ पर जाके दांत बाहर करके दांत फाड़ रहे हो, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर हाँ, अंदर से एक पॉजिटिव, मतलब मुस्कान जो है वो अंदर से होना चाहिए हमेशा। और मैं बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स को देख के इंस्पायर हुआ हूँ, जैसे कि देखो, मतलब हर किसी के पास कोई ना कोई होता है, तो किसी के पास भाई होते हैं, किसी के पास दोस्त होते हैं, किसी के पास गर्लफ्रेंड होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों, मतलब अभी मैं एक नया नया ब्लॉगर्स को देख रहा हूँ, ब्लॉगर को देख रहा हूँ जिसका जो अपने कॉलेज जाते हुए ब्लॉग करते हैं और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, वही सिर्फ दिखाते हैं, मगर उन लोगों के भी मतलब बहुत ही अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो ऑब्वियसली आएगा ना। मगर मुझे देखो, मेरे पास ना तो कोई दोस्त है, ना कोई गर्लफ्रेंड, मतलब कोई भी नहीं है, मगर मैं अकेला ही जाता हूँ, मतलब अपने यहाँ पे अकेला ही चलता हूँ सबके सब, मगर फिर भी खुश हूँ ना, ठीक है। खुश रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। अगर खुश नहीं हो तो तुम लोग दूसरों को भी खुश नहीं रह सकते, मगर खुश रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना जिसको मैं खुश रखूं। तो मेरे पास लिटरली कोई भी नहीं है, मगर हर रोज़ उठ के मैं ब्लॉग बनाता हूं, हर रोज़ उठ के एक मोटिवेशन आते हैं ताकि मैं ब्लॉग कर सकूं। ये सिर्फ एक ही वजह से है, मेरे पास ज़िंदगी का तीन प्रीशियस चीज़ है, मेरे पास ज़िंदगी का तीन एक्सपेंसिव चीज़ है, जो कि पेरेंट्स, मेरे बहन और एक तुम लोग। तुम लोगों की वजह से मैं हर रोज़ उठ के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है तुम लोगों की वजह से। देखो, 140 सब्सक्राइबर होने के बाद भी मेरे जो व्यूज़ है वो सिर्फ 20 या 25 हार्डली, अभी तो शायद 18 या 19 ऐसे कुछ करके आता है, मगर फिर भी मैं हर रोज़ उठ के मैं वीडियो बनाता हूँ। कोई ना कोई, मतलब उम्मीद नहीं रखता किसी से, मगर फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, है ना, फिर भी मैं खुश हूँ, फिर भी मैं हंस के ही ऐसे करता हूँ। तो ज़िंदगी में खुश रखना, मतलब खुश रहना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तुम लोग जो भी मेरे वीडियोस को देखते हो या चैनल्स को नया सब्सक्राइब करते हो, मुझे एक काम करो गाइस, थोड़ा सा अगर कमेंट कर दो वीडियो में, देखते हुए कि वीडियो को पूरा देख रहे हो, वीडियो को देखते हुए मेरे वीडियो को कमेंट करते हो और मुझे सपोर्ट करते हो, लाइक भी करते हो मेरे वीडियो अगर पसंद आए। और अगर पसंद ना भी आए, क्योंकि देखो मैं नया नया हूँ, अगर पसंद ना भी आए तो भी एक वीडियो में कमेंट करके फीडबैक दो कि मेरा कोई, मतलब कौन सा चीज़ पसंद नहीं आ रहा है तुम लोगों को, कौन सा चीज़ तुम लोगों को मेरा पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और गाइस, अगर मतलब मेरा पहले का वीडियो उठा लो, कोई भी वीडियो डिलीट नहीं है मेरा, जितने भी वीडियोस है उससे मैं थोड़ा थोड़ा सीख के ऐसे कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश तो करता ही हूँ, हर रोज़ मैं इम्प्रूव करता हूँ, कोशिश करता हूँ, मगर फिर भी अगर तुम लोग चाहते हो थोड़ा सा कमेंट करके मुझे फीडबैक बता दो, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम करूँगा। जैसे कि अभी बैनर आर्ट में काम चल रहा है, मतलब नाम तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि मगर उसके लिए पहले बैनर को चेंज करना पड़ेगा, और ये बैनर को चेंज करना भाई उतना आसान काम नहीं है। पिछले बारी में जब भी मैं बैनर बनाया था तो 15 से 20 बैनर बनाया था, तब जाके एक बैनर सिलेक्ट हुआ, और एक एक बैनर के पीछे मेरा एक एक घंटा गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमाइजेशन करना पड़ता है। तो इस बार भी बहुत सारे ऐसे कुछ आइडियाज़ है, मैं काम करना भी ऑलरेडी शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड में एडिटर है, मतलब एडिट करते करते ही मैं आया हूँ अभी घर से बैठे, मतलब जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब मैं एडिट कर रहा था। तो अभी तो पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ तो अभी टाइम नहीं मिलेगा, घर जाके फिर से एडिट करने के लिए बैठना पड़ेगा मुझे।
तो इसलिए गाइस मतलब थोड़ा सा तो टाइम लगता है और मेहनत भी लगता है, ऐसा नहीं कि भाई मेहनत नहीं लगता है कुछ भी, तो इसलिए थोड़ा सा अगर तुम लोग सपोर्ट दिखा दो तो बहुत ही बढ़िया होगा। और अभी से गाइस सिर्फ और सिर्फ सुबह को ही वीडियो आएगा क्योंकि लाइट का है काम से, लाइट का सत्यानाश, मतलब लाइट तो ठीक है, ओटीजी का सत्यानाश हो गया। और अभी मैं एक भी पैसा खर्च नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा मुझे जमाना है, थोड़ा सा सेविंग्स करना है ताकि मैं मार्च में जाके मोबाइल फ़ोन ख़रीद सकूँ। ठीक है, मुझे बहुत ही ज़रूरत है उसका, मोबाइल का बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि देखो ऐसे मैं व्लॉग करता हूँ इस मोबाइल से, तो ऐसे जब मैं व्लॉग करता हूँ इस मोबाइल से तो अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है तो मैं उठा नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। इस वजह से और भी अगर मैं गेमिंग कंटेंट बना रहा हूँ तो अचानक से ऐसे कॉल आ जाता है, और इस मोबाइल से ऐसे मतलब उतना ज़्यादा खास होता भी नहीं है। मगर मैं बजट के हिसाब से उतना महंगा तो मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदूँगा, मुझे ये पता है, मगर हाँ मेरा काम चल जाए उसके हिसाब से मैं ख़रीदूँगा मोबाइल फ़ोन। खैर अभी तो मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, जब बाहर निकलूँगा तब शायद वो वीडियो आ भी चुका होगा। और मैं अभी तक, हाँ मैं भूल गया, मैं अभी तक पिछले दिन का जो तुम लोगों ने वीडियो देखे हो वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया हो, तो पढ़ाने के जब मैं जाऊँगा उन लोगों के घर वहाँ पर ही मैं अपलोड कर दूँगा, सब कुछ रेडी है, बस अपलोड करना है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट लगेगा, स्पीड बहुत ही ज़्यादा है इंटरनेट का तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मैंने 5 बैनर बनाया है, मगर 5 बैनर मतलब स्टाइल तो ठीक है, मगर उस पर थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जा रहा है और जूम करने पर फट रहा है, यानी कि जब मैं यूट्यूब के बैनर पर लगाऊंगा उसको तो हेजीनेस आएगा कि उस मतलब एडिटिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। कटिंग अच्छा हुआ है मगर उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, तो उसको मुझे शॉर्ट आउट करना है। 5 बैनर समझ रहे हो, 5 बैनर मैं अभी तक के बना चुका हूँ और जितने भी बैनर बनाया है उतना भाई फेल हो चुका है। खैर मैं देखूँगा, मेरे को शायद रविवार तक का टाइम लगेगा ही, मगर मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही जल्दी जल्दी ये चीज़ कर लूँ, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने में बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, वरना तो भाई गया काम से, क्योंकि डेजी रावण जितने दिन रहेगा उतने दिन भाई कम व्यूज आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई ये जैसे भाई गेमिंग चैनल का नेम है ना, ब्लॉगिंग चैनल का थोड़ी ना नेम है। तो मैं बैनर को उतना जल्दी बना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाऊंगा। और 5 बैनर मैंने एक्चुअली में 2 घंटे में 5 बैनर बना दिया, मगर थोड़ा सा टाइम और लेके मुझे और उसको ऑप्टिमाइज करके बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा और दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते बना रहा था और सुबह को ब्रेकफास्ट करते करते बना रहा था, तो इसीलिए मतलब बैकग्राउंड में अपलोड हो रहा था वीडियो, और सॉरी वीडियो तो तभी वही मतलब जब मैं पढ़ा रहा था तब मैं बैकग्राउंड में अपलोड करते हुए उसके बाद बैनर बना रहा था, सुबह को भी ब्रेकफास्ट करते करते बैनर को एडिट किया मैंने, तो थोड़ा सा मतलब काम शॉर्ट आउट कर लूँगी, क्योंकि आज भी रात जग नहीं सकते, कल भी नहीं हो सकता, शनिवार को लेकर मुझे बैठना पड़ेगा, अब देखते हैं कब तक क्या होगा। और आज के लिए व्लॉग इतना ही रहते हैं, रात को तो नहीं हो पाएगा व्लॉग, अगर हो सके तो मैं व्लॉग रात को भी स्टार्ट कर सकता हूँ अगले दिन का व्लॉग, मगर आज के लिए यही पर रखते हैं, मिलते हैं कल विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग एट 12 PM, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बी हैप्पी एंड बी सेफ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।